सही काम हो रहा है वो कह रहे हैं गलत हो रहा है सर जी, निजीकरण। अच्छा, निजीकरण तो रेल में होना ही नहीं चाहिए, वर्षों से चला आ रहा है, रेलवे कर्मचारी काम कर रहे हैं उसमें, निजीकरण से क्या मतलब है? रेल को देश का सबसे बड़ा सेक्टर है रेल, सबसे ज़्यादा भारत सरकार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी रेल में ही, सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं। कहा गया था कि हर साल करोड़ों युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और आज युवा सड़कों पर हैं। हाँ, ये बात तो सच है, आज जो युवा उसका एकदम अपोजिट हो रहा है, उसमें तो कुछ भी सच्चाई नहीं सामने आ रही है, हमारे नहीं किसी भी भाई के नहीं आ रही है, ये तो सच है। क्या लग रहा है कोई सरकार का ऐसा कदम लग रहा है जिससे युवाओं के लिए रोजगार मिलेगा, देश के हित में कोई काम हो? देखिए, कदम की आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो अभी रेलवे की कोई ऐसी पॉलिसी सरकार ने बनाई है, रेलवे में ही दृष्टि आप, रेलवे की जो पॉलिसी है, जो सरकार की हमारी पॉलिसी है, उस पर आप देख लो, रेलवे को टोटल प्राइवेटाइजेशन कर दिया जा रहा है, जिसपे अब जितने अप्रेंटिस है, पहले होता था भाई अप्रेंटिस लड़का करता था, साल भर की ट्रेनिंग, दो साल की आईटीआई करता था, उसके अकॉर्डिंग उसको आगे पोस्टिंग दे दी जाती थी उसके स्किल के आधार पर, ठीक है, बेसिस पर। तो अभी क्या हो रहा है, उनको स्किल करके साल भर के बाद उनको भगा दिया जा रहा है, मतलब घर भेज दिया जा रहा है। तो अभी आप बताइए, मतलब 16 साल से 24 साल तक लेते हैं स्किल के लिए, तो उसमें आप लोग बताओ कि इस ये पढ़ने के उम्र में बंदे आते हैं यहाँ पे स्किल को अपने प्रूव करने के लिए, मतलब करने के लिए, अपने को डेवलप करने के लिए या कुछ करने के लिए, जिससे उनका फ्यूचर आगे रेलवे में मतलब सिक्योर हो सके, ठीक है? तो उस टाइम तो वो काम करने की वजह से अपनी पढ़ाई को उतना मतलब वो नहीं ले पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, अपनी पढ़ाई को उतना नहीं गंभीरता से ले पाते हैं इसकी, क्योंकि वो अपना स्किल डेवलप कर रहे हैं, तो जिससे ये होता है कि वो उनकी पढ़ाई वीक हो जाती है और आगे उनका फ्यूचर ब्लाइंड हो जाता है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, उनके फ्यूचर को ध्यान में रखना चाहिए, उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्या क्या सही है क्या गलत, उस पर सोचना चाहिए सरकार को। ये रिक्वेस्ट है हमारी सरकार से।